हम बना रहे हैं आज अंडा करी। अभी हम इसमें डालेंगे ऑयल, अभी हमारा ऑयल गरम हो जाएगा। गरम हो गया है, अब हम इसमें अंडे डालेंगे और ये अंडों में हमने चाकू से हल्का हल्का निशान लगा लिए ताकि अंडे तेल में फटे नहीं। आँच बिल्कुल कम कर देंगे। अंडे फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और ये एक दालचीनी की लकड़ी और एक छोटी सी इलायची। इनका फ्लेवर तेल में आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे ये मैंने प्याज और एक प्याज एक टमाटर और एक लहसुन डाला है, ग्राइंड कर लिया। इसको चलाते हुए भूनेंगे अच्छे से जब तक ये सेपरेट नहीं हो जाए इसका ऑयल अच्छे से। इसको हम बहुत अच्छे से इसको भून लेंगे। अभी हम इसमें ये लहसुन की कली है इनको अच्छे से चॉप करके डाल देंगे। ये हमारी प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह ये सब भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, स्वाद अनुसार मिर्च, जीरा पाउडर, हल्दी और धनिया और स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा पानी डाल के इसको भूनने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेंगे इसमें कश्मीरी मिर्च, कसूरी मेथी। अब हम इसको भूनने देंगे जब तक इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, इस मसाले को अच्छे से भूनने देंगे। मसाला हमारा भून गया है, ऑयल भी हमारा सेपरेट हो गया है इससे। अब हम इसमें एग रखेंगे, थोड़ा सा ग्रेवी के थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे जिससे थोड़ी देर और पक जाए। टाइम पर हम इसमें जैसे खसखस पीस के या काजू पीस कर और एक नारियल पीस कर ये डाल देते हैं तो ये ग्रेवी हमारी थिक हो जाती है, लेकिन हम डेली यूज़ के हिसाब से बना रहे हैं तो इसलिए डेली वेज के हिसाब से बना रहे हैं तो इसलिए हम ऐसा बना रहे हैं। अभी हमें इसमें भी बहुत स्वाद आता है, एक बार ट्राई करके देखना, सिंपल है। अभी थोड़ा पकेगा, थोड़ा गाढ़ा होने देते हैं हम इसको। अंडा करी बन के तैयार है, ये देखिए। टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना। बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी। आप भी एक बार ट्राई करना।
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना।